नमस्कार और आप देख रहे हैं सी क्यूब न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को दिए सक्सेस मंत्र। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के दौरान दी छात्रों को चेतावनी, कहा रील्स देखने में अपना समय बर्बाद ना करें। सीजेआई ने वकीलों को समझाया सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीके, कहा अदालत कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कि आप आए और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाए। नीतीश कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा एनडीए को बिहार में नुकसान होगा, INDIA को फायदा मिलेगा। कैबिनेट की पहली बैठक हुई संपन्न, फिर मिले एनडीए के नेता। विभागों के बंटवारे पर हुई चर्चा, 12 फरवरी को हो सकता है फ्लोर टेस्ट। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने रखी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शिवलिंग और बजू स्थल के सर्वे की मांग, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। खड़गे बोले आरएसएस भाजपा जहर की तरह, इनसे दूर रहे। कहा 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। राहुल गांधी ने नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे, सिर्फ आरएसएस भाजपा पर साधा निशाना। 2026 तक 30 टूरिस्ट प्लेस भिखारी मुक्त होंगे, इनमें अयोध्या उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल शामिल, भिखारियों का सर्वे शुरू। देश में पहली बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगेंगे, भूकंप आते ही ट्रेन जहां रहेगी वहीं खड़ी हो जाएगी। आतंकी संगठन सिमी पर बैन और 5 साल बढ़ाया गया, केंद्र सरकार का उपा के तहत एक्शन। तालिबान की बुलाई मीटिंग में शामिल हुआ भारत, रूस समेत 10 देशों ने लिया हिस्सा, भारत ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या, जिस बेघर शख्स को रहने की जगह दी उसी ने 50 बार हथौड़े से किया वार, आरोपी हुआ गिरफ्तार। भारतीय युद्धपोत ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया, क्रू समेत 17 लोगों को सुरक्षित निकाला, 3 महीने में हाईजेक का 4th मामला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज MP दौरे पर, 10,405 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। खालिस्तानी आतंकी पन्नू से मिला सूखा गैंग, UP ATS का हुआ खुलासा। अयोध्या की रेकी के बदले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे का हुआ था सौदा। बिहार में मंत्रियों के विभागों का आज हो सकता है बंटवारा, एनडीए कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी, एग्जाम सेंटर पर मोबाइल लाने की मनाही, पूरे बिहार में 1523 केंद्र बनाए गए। UPPET 2023 का रिजल्ट हुआ जारी, 25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दिया था एग्जाम। ACC चेयरमैन पद छोड़ सकते हैं जैसा, ICC अध्यक्ष बनने के लिए लड़ेंगे चुनाव, आज से इंडोनेशिया में ACC की मीटिंग। शाहरुख खान ने फैंस के साथ सेलिब्रेट की डंकी की सक्सेस, रोते हुए फैंस को लगाया गले, बोले अब से 2-3 महीने ही लूंगा ब्रेक। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी क्यूब न्यूज़।